जब मैंने वेब डेवलपमेंट शुरू की थी तो सबसे पहले तो मैं ट्यूटोरियल्स से ही पढ़ता था, बट उससे स्पेसिफिकली सीएसएस वाले पार्ट में वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगा। एंड कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैं ट्यूटोरियल्स देखते हुए ही सो जाता था। हमें अच्छा डेवलपर बनना है तो हमें गूगल करना आना ही चाहिए। अब सेम प्रॉब्लम जब किसी और ने सॉल्व कर रखी है तो हम बार बार उसी को क्यों सॉल्व करें। Hi everyone, I am Naman Gupta, final year undergraduate at NSIT Delhi and upcoming SGE at Microsoft. In this video, I would be telling 5 things that helped me become good web developer. And agar aap bhi in 5 cheezon ko follow karenge, to ye aapko bhi kafi zyada help karegi. Before starting video, agar aapko video pasand aaye, then do like and share. And if you have any other helpful tip, then do mention all those in comment section. Also subscribe Coding Ninjas channel for more such amazing stuff. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज लर्न वाइल डूइंग। जब मैंने वेब डेवलपमेंट शुरू की थी तो सबसे पहले तो मैं ट्यूटोरियल्स से ही पढ़ता था कि सिर्फ उनको देखा और समझी चीज़ें, बट उससे स्पेसिफिकली सीएसएस वाले पार्ट में वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगा। एंड कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैं ट्यूटोरियल्स देखते हुए ही सो जाता था। तो उसके बाद मैंने बिल्कुल ही वेब डेवलपमेंट छोड़ दी थी कि ये मेरे बस का बात नहीं है। पर अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भी और लोगों की बात सुनी एंड मैंने भी फॉलो किया लर्न वाइल डूइंग। अब ये क्या है, इसमें है कि आप पहले सीखो और उसके बाद करो, उसकी जगह करते हुए सीखो। आप लोग एक प्रोजेक्ट उठा लीजिए एंड उसको फॉलो करते करते सीखिए। मैंने भी यही किया था, एक प्रोजेक्ट ले लिया एंड मैं उसको बनाता चला गया और जो चीज़ नहीं आई वो मैंने गूगल कर ली, किसी से पूछ ली, या फिर सबसे बेस्ट होता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर सकते हैं, स्टैक ओवरफ्लो पे पूछ सकते हैं, या हो सकता है वैसा ही डाउट किसी को पहले आया हो तो उसने ऑलरेडी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डाल रखा हो। उसके अलावा क्योरा है एंड काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं। सबसे बेस्ट इसमें रहता है डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना ही, क्योंकि उससे आप एक चीज़ के साथ साथ कई और चीज़ें भी सीख लेते हैं। तो अगर मैं भी सिर्फ ट्यूटोरियल्स देख के करता तो वेब डेवलपमेंट कभी नहीं सीख पाता। तो आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक प्रोजेक्ट चूज कीजिए एंड उसको बनाते बनाते सीखिए, उससे काफ़ी अच्छे से सीख पाएंगे। सेकेंड पॉइंट इज कि मैंने अपना वेब डेवलपमेंट सीखते हुए काफ़ी सारे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए थे, जैसे कि वेदर वेब ऐप या स्नेक लेटर का गेम हो गया या फिर पोर्टफोलियो हो गया, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी। लोग बोलते थे कि क्यों इस तरह टाइम पास करना है, सीधा कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हैं जो कि रिज्यूमे में भी ढाल सकें। बट आई सजेस्ट कि सबसे पहले कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स ज़रूर बनाएं। क्यों? क्योंकि उससे आपके बेसिक्स बिल्ड होते हैं। साथ में जब आप छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि क्या चीज़ कैसे करनी है। अगर सीधा ही आप बड़े पर जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स बनाइए। जब आपको बिल्कुल हैंड्स ऑन हो जाए, अच्छे से आ जाए चीज़ें, देन उसके बाद मूव कीजिए बड़े प्रोजेक्ट्स पे। एंड उसमें भी सबसे पहले शुरू में सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स बनाइए, एक बार वो अच्छे से हो जाए उसके बाद फुल स्टैक की साइड मूव कीजिए। ऑल्सो इसमें एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा कि अगर पॉसिबल हो तो अपना पोर्टफोलियो ज़रूर बना लीजिए एंड उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए। आपकी वेब डेवलपमेंट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ में खुद से एक बहुत अच्छा अपना पोर्टफोलियो भी बना लेंगे, जो कि आप रिज्यूमे के अलावा इंटरव्यूज तक रिक्रूटर्स को शेयर कर सकते हैं एंड वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने। तीसरी चीज़ जिसने मेरी काफ़ी हेल्प की वो था कि आई यूज़ टू टेक पार्ट इन डिस्कशंस। जो स्टैक ओवरफ्लो या अपना क्योरा है, वैसी ऐसी साइट्स हैं, उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस और लोग डाल के रखते हैं। तो उसमें आपको अगर उसका सॉल्यूशन आता है या थोड़ा भी आइडिया है कि इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, तो वो उस पर आप डाल सकते हैं। इससे ये बेनिफिट होगा कि और लोग आपका सॉल्यूशन देखेंगे एंड आपको बताएंगे कि ये सही है या इसमें कुछ गलती है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। साथ में आप और लोगों के भी सॉल्यूशंस पढ़ेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगी और ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छा वेब डेवलपर बनाती है। इसके अलावा मैं ये भी मेंशन करूँगा कि अगर पॉसिबल हो तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट भी आप लोग कीजिए। आपका वो रिज्यूमे में भी अच्छा रहता है एंड आपको सीखने को भी काफ़ी मिलता है। मेरे पास टाइम नहीं था पर तो मैं नहीं कर पाया, पर हाँ मैंने देखा है जो लोग करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा उनका बेनिफिट होता है एंड वो काफ़ी अच्छे वेब डेवलपर बनते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स फोर्थ पॉइंट। तो जनरली मैंने सबको देखा है, वो कहते हैं कि यार फ्रंट एंड बहुत ज़्यादा बोरिंग है, बट आई से कि आप फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क जैसे कि रिएक्ट है वो सीख लीजिए,
उसके बाद एक बार ट्राई कीजिए, बिकॉज उसमें हम एकदम स्ट्रक्चर्ड कोड लिखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और करने में भी मज़ा आता है। उसके अलावा जब शुरू में आप HTML और CSS का कोड भी लिख रहे हैं, देन आई सजेस्ट कि जितना हो सके उतना स्ट्रक्चर्ड कोड लिखिए, वरना लास्ट में क्या हो रहा होता है, आपको बस रिजल्ट लाना होता है, उसके अलावा कुछ भी कर रहे होते हो और आपको भी नहीं समझ आता है कि कहाँ आपने कौन सी ID यूज़ करी है, कहाँ कौन सी क्लास यूज़ करी है और आप क्या किस पे चेंज कर रहे हैं, कुछ आइडिया नहीं लगता। तो हमेशा स्ट्रक्चर्ड कोड लिखिए। पांचवी और आखिरी चीज़ जिसने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी अच्छा वेब डेवलपर बनने के लिए, वो है कि मैं हर प्रॉब्लम को गूगल ज़रूर करता था। अब कोई कहेगा कि यार गूगल कर रहे हो, वहाँ से कोड उठा रहे हो, तो वो तो सिर्फ कॉपी करना हुआ, बट ऐसा नहीं होता है। हमें अच्छा डेवलपर बनना है तो हमें गूगल करना आना ही चाहिए। आप उस सॉल्यूशन को अगर ढूंढ रहे हैं तो वो भी एक आपकी स्किल है कि आपको अच्छे से गूगल करना आता है। अब सेम प्रॉब्लम जब किसी और ने सॉल्व कर रखी है तो हम बार बार उसी को क्यों सॉल्व करें, उसको आप उठा के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट एक चीज़ का बस ध्यान रखें कि उसमें हो क्या रहा है और वो आपके कोड में, आपकी जो वेबसाइट है या जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें क्या इफेक्ट डालेगा, आपको सिर्फ उतना पता होना चाहिए। बिकॉज आगे भी जब हम जॉब साइट जाते हैं तो हमें हर दूसरे दिन नई नई चीज़ गूगल करनी होती है एंड हमें सॉल्यूशन उठाना होता है, क्योंकि किसी को भी कोई भी चीज़ 100% नहीं आती है, तो गूगल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो मैं यही कहूँगा कि गूगल कर करके करिए, इंस्टेड आप किसी से पूछें, पहला ट्राई खुद गूगल पे कीजिए, तब भी आपको कुछ ना समझ आए तो आप किसी और को रेफर कीजिए। तो मैंने पांच चीज़ें बताई जिसने मेरी अच्छा वेब डेवलपर बनने में हेल्प की। ये बस शॉर्ट में मैं सारी वापस बताता हूँ। सबसे पहला था कि सीखते हुए करिए। सेकेंड इज़ कि स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाइए। थर्ड इज़ आप डिस्कशंस में पार्ट लीजिए। फोर्थ इज फ्रंट एंड का कोई ना कोई फ्रेमवर्क जैसे कि रिएक्ट है वो ज़रूर से सीखिए। फिफ्थ इज प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को गूगल कीजिए। अगर ये पांच चीज़ें आप भी फॉलो करेंगे तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड मैं फिर से कहूँगा, अगर किसी को भी और किसी टिप ने हेल्प की हो तो वो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं खुद भी देखना पसंद करूँगा और आपके जो फेलो मेट्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। इसके अलावा इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, एंड अगर आपको किसी भी और पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो देन डू मेंशन इट आल्सो इन कमेंट सेक्शन, मैं ट्राई करूँगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो ला सकूँ। एंड अगेन अगर वीडियो पसंद आए देन डू लाइक एंड शेयर, एंड दैट्स फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।